हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। सभी लोग का आजकल डाउट रहता है कि मैं महीने में कितना कमा सकता हूँ ओवर से, तो मैं आपको आज लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ। तो प्लीज आप लोग चैनल पे बने रहना, अगर स्किप करते हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग से आपका सारा हिसाब किताब खराब हो जाएगा जो इस लाइन में आना चाहता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को वीडियो में देरी ना करते वीडियो करते स्टार्ट फटाफट। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर दे, और ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आप लोग को फटाफट मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते वीडियो कर लेते स्टार्ट। मैं कर लेता हूं मोबाइल रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो आप लोग के सामने ये इधर अभी आ रहा है आपके पास मोबाइल रिकॉर्डिंग का स्क्रीनशॉट। तो चलिए दोस्तों, मेरा मोबाइल रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है और आपको मैं पूरे महीने का कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे काम होता है और किस तरीके से हम काम कर सकते हैं दोस्तों, और महीने में कितना आप बचा सकते हो, कितने परसेंट का हमें मतलब जो कमाई होती है ना, किस तरीके से आप गाड़ी की EMI हटा करके और गाड़ी की मेंटेनेंस हटा करके आपकी CNG हटा करके कितना पैसा मिलने वाला है, वो सारा इसी ब्लॉग में बताने वाला हूँ आपको। तो प्लीज चलिए, अब इस वीडियो को मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है मेरा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, मेरा ऑफलाइन है, आप दिख रहे हो अभी नीचे, ये ऑफलाइन है। ऑफलाइन मीन्स ऑफलाइन मतलब हम डिवाइस को ऑफलाइन कर रखे। ये देखिए, ये गो लिखा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा हो जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, अब चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे। तो यहाँ पे आ चुके हैं, अब आते हैं हम किस पे बॉस, तो हम आते हैं इस पे अर्निंग पे। ठीक है, अर्निंग पे आ गए। अर्निंग पे आने के बाद अर्निंग आ गए यहाँ पे, इस पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ हफ्ते के हिसाब से काम दिखाता है। जैसे कि आपको मैं इसे पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, जो नए भाई है उसके लिए इस तरीके से काम दिखाता है जो डेट बाय डेट का होता है। ये देखिए, ये डेट है ना आपका, ये 8 मई से 15 मई का इस तरीके से होता है। तो अब इसी को हम आकलन करेंगे, इसमें इसको प्रूफ आप नोट कीजिएगा पेन और कलम लेके। ठीक है ना बॉस, तो मैं इसको कर लिया हूँ 8 मई है ना, तो हम चलते हैं 8 मई को हटाते हैं, आते हैं 1 मई को भी हम करते हैं 8 अप्रैल से 8 मई तक का। ठीक है, तो ये आ गया 10। अच्छा, हम 3 अप्रैल से ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है दोस्तों, देखिए 3 अप्रैल को मेरा जो काम हुआ था कितना काम हुआ था ये आप देख रहे हैं। तो प्लीज एक बार मैं भी पेन कॉपी लेके बैठ जाता हूँ और फिर आपको मैं तरीके से सारा कन्वर्ट करके बताऊंगा कि कितना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप ब्लॉग में बने रहना एंड तक बिल्कुल। तो देखिए, पहला जो 3 अप्रैल का काम है 14,152 रुपये का। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं 10 अप्रैल से 17 अप्रैल 14,332 रुपये का, ये ऊबर का सारा डिटेल्स दिखा रहा हूँ मैं। उसके बाद है 17 अप्रैल से 24 अप्रैल 13,267 रुपये का, 37 पैसे जिसमें छुट्टी भी आप देख रहे हैं ना, मंडे ट्यूजडे नडे काम की, थर्सडे छुट्टी है और संडे छुट्टी है। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए, अब आते हैं अगला कौन सा, ये आपका ये देख सकते हैं, मैं आप डेट भी देखते जाना। ये देखिए, ये वाला डेट होता है, मैं डेट जो दिखा रहा हूँ ना आप लोग को, ये वाला इसके वजह से दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग बिलीव करें और समझ आए पूरा क्लियर कि आप महीने में कितने पैसे कमा सकते हो भाई। ठीक है, अभी देखिए आता है 24 अप्रैल से 1 मई का। तो मेरा जो अर्निंग हुई है 24 अप्रैल से 1 मई का बॉस, तो मेरी हुई है अपना क्या कहते हैं ये 18,943 रुपया। ठीक है, अब बढ़ते हैं 1 मई तक का है, अब आगे चलते हैं 8 मई तक का। तो 1 मई से 8 मई तक का हो गया लगभग, हम एग्जाम्पल निकालते हैं 20,000.073। अब इसको आप टोटल करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं कैलकुलेटर के स्क्रीन पे। अब कैलकुलेटर कहाँ है भैया, कैलकुलेटर महाराज ये रहा। कैलकुलेटर महाराज को हम आज आपको लाइव के साथ दिखाने वाले हैं। तो हमने पहले डाला 14,152 रुपया, ठीक है, दूसरा डाला 14,332 रुपया, 13,000
267 रुपया, 13,267 रुपया। उसके बाद 18,943 रुपया, और उसके बाद 20,073। आपका टोटल कितना निकल गया है, देखिए 80,000 रुपये निकल के आया। आप समझ सकते हैं ना कि 80,700 रुपये निकल के आया आपका। घबराइए मत, ये सारी इनकम नहीं है, अभी मैं आपको और भी बताता हूँ, ठीक है ना। खांसी थोड़ा हो रहा है इसलिए सॉरी यार। अब 80,000 को हम बराबर करने के बाद 80,740, मतलब 80,740 रुपये बॉस, 80,740 को हम माइनस करेंगे 30% सीएनजी का खर्चा हटाएंगे, ठीक है। माइनस करेंगे 30% सीएनजी, तो माइनस 30% सीएनजी। अब आपके हाथ में कितना बच के आया है, 56,518 रुपये, ठीक है। ये 56,518 देख रहे हो ना बॉस, आप लोग के नजर के सामने है। कोई ऐसा नहीं कि मैं अलग से बता रहा हूं और इसको मैं ऐसा वैसा करके झूठ मुठ के बना रहा हूँ, और किसी से भी पूछ सकता भाई ये जो हिसाब मैंने बनाया गलत नहीं बनाया, ठीक है ना। तो 56,518 रुपये हो गया आपका, 56,518 रुपये का सीएनजी हट गई, ठीक है। सीएनजी आप हटा दिए, सीएनजी हट गई, ठीक है। अब सीएनजी हटाने के बाद आपके पास आता है गाड़ी का मेंटेनेंस, जो महीने का आपका कम से कम 5,000 से 6,000 आता है। मैं कहता हूँ एग्जाम्पल 6,000 हटा देते हैं, ठीक है, 6,000 क्या 6,500 भी हटा देते हैं। डीआर का भाई 6,500 ही आता है, कम से कम 7,000 7,500 तो ही आएगा कम से कम, ज़्यादा 9-10 से भी पूछा था कई बार जब ज़्यादा गाड़ी डैमेज होता था। तो अब इसको हम -6,500 रुपये कर देंगे, ठीक है, 6,500 रुपये माइनस कर दिए। अब आपके हाथ में आया कितना, 50,000 रुपया, 18 रुपया। ये आपकी अर्निंग है। इसमें अभी आपका एक चीज़ और माइनस है, जैसे कि आपकी गाड़ी फ्री है तो भैया ये पूरी आपके हाथ में आएगा। अगर गाड़ी फ्री नहीं है, फ्री मीन्स गाड़ी की ईएमआई नहीं है, अगर ईएमआई है तो भाई आपको इसमें से भी अभी माइनस करना पड़ेगा। अगर 15, जैसे कि किसी का 500 रुपये रोज होता है, किसी का 600 रोज होता है, तो एग्जांपल के तौर पर 18,000 हो जाता है, किसी के 500 का, मैं मेरा 500 का भाई, तो मैं 500 के हिसाब से 15,000 रुपये हो गए, ठीक है, महीने का। तो मैं इसमें माइनस करता हूँ 15,000 रुपया, ठीक है। अब आपके सामने ये एक्चुअल हिसाब बन के आया है, इससे ज़्यादा आप जो पिछवाड़ा होता है ना भाई उसको भी गर्म कर लो, इससे नहीं बचने का। ये जो 35,000 निकल के आया है ना भाई, 35,000 से 30 से 35,000 पे महीना आप 80,000 के काम करके भाई बचा सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं बचा सकते हो बॉस, ठीक है। कोई बंदा कहता है 2,00,000 कमाता है, 4,00,000 कमाता है, भाई उसकी कैलकुलेशन तो करो, कैलकुलेशन करोगे ना तो पूरा एक्यूरेट में ये हिसाब जो निकला है ना, किसी से भी दिखा लेना। अगर मैंने गलत बताया तो नीचे कमेंट करना, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। अगर सही बताया तो प्लीज़ लाइक करके देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि जो भाई नया आने वाला है ना इस लाइन में उसको मोटिवेट मिले, ठीक है ना बॉस। तो इस वीडियो में आपको क्या सीखने को मिला उसके लिए, और आप लोगों ने आपने यहाँ तक वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बॉस, ठीक है ना। और मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों को, और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय।